नमस्कार, ज्योतिष जिज्ञासा में आपका स्वागत है। मैं पंडित दिनेश चंद्र आपके लिए लेकर आया हूं नए साल का वार्षिक तोहफा, यानी वार्षिक राशिफल 2020। इस राशिफल में हम आपको आपके साथ एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे जिसके बगैर आप इस साल के उन क्षणों का लाभ पाने से चूक सकते हैं जिन पलों में काम करने से आपकी किस्मत चमकने वाली है। क्या आपको पता है कि साल 2020 के किस महीने की कौन सी ऐसी तारीखें हैं जिसमें आपके भाग्य का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, यानी उन तारीखों पर लिया गया एक फैसला, उन तारीखों पर उठाया गया एक कदम आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। क्या आपको मालूम है कि नए वर्ष के किस महीने की किन तारीखों से आपकी किस्मत का संबंध जुड़ा हुआ है? तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि साल 2020 के इन महीनों की इन तारीखों पर आपका कैसे बदल सकते हैं, आप अपने भाग्य को कैसे बदल सकते हैं इन तारीखों में। राशिफल 2020 में आपकी राशि के अनुसार महीने की शुभ तारीखें बताई गई हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए जानते हैं साल 2020 में कौन सी तिथि आपके लिए रहेगी भाग्यशाली, जिन पर शुरू किया गया कोई भी काम सफलता की सोपान तक बिना रुकावट पहुंचेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। साल 2020 में मकर राशि वालों के लिए 12 महीनों में से जो 12 महीने होते हैं उनकी कौन कौन सी तारीखें हैं जो उनके लिए बहुत ही शुभ है, तो हम तारीख लेकर के आए हैं उनके लिए और इन तारीखों पे वो अपना कोई काम शुरू करते हैं, कोई ऐसा काम जिस पे वो असफल हो चुके हैं उस पे सफलता पाना चाहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके जीवन में, वो इन तारीखों पे शुरू करें। हम पूरे 12 महीने की उन तारीखों को महीने वाइज आपको बताएंगे जिन पर शुरू किया गया कोई भी काम बहुत ही फलदायी साबित होने वाला है। तो जनवरी की बात करते हैं। जनवरी में 6 दिन ऐसे हैं, यानी 6 ऐसी तारीखें हैं जो उनके लिए किस्मत, जिनका उन हम यूं कह सकते हैं कि जिनसे उनका किस्मत का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और ये तारीखें हैं, पहली तारीख 11 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 20 और 21 तारीख। ये तारीखें यूं ही नहीं है, इनको ज्योतिष की गणना के अनुसार निकाला गया है। ज्योतिषी गणना कैसे की गई है, जैसे आप दैनिक राशिफल देखते हैं, साप्ताहिक राशिफल देखते हैं, मासिक राशिफल देखते हैं या वार्षिक राशिफल देखते हैं, ये जो राशिफल होता है इनका जो फलादेश होता है वो चंद्रमा की जो चाल होती है, चंद्रमा का जो भ्रमण होता है एक राशि से दूसरे राशि पर जाने का जो भ्रमण होता है उसके अनुसार ज्योतिष में गणना की जाती है और ये बताया जाता है कि ये दिन आपके लिए शुभ है, ये दिन आपके लिए अशुभ है, इस दिन आप ये काम शुरू कर सकते हैं, इस दिन आपको फायदा हो सकता है, इस दिन आपको नुकसान हो सकता है। तो उन्हीं में से हम ये जो तारीखें लेकर के आए हैं ये उनमें से जो सबसे शुभ तारीखें महीने की जिन पे शुरू किया गया आपका कोई भी काम आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है, वो है ये तारीखें जिनकी हम बात कर रहे हैं। आप इन तारीखों को बिल्कुल मत भूलिए, यूं ही जाया मत होने दीजिए, इन पर उठाइए कोई ठोस कदम और फिर आप देखिए आपको सफलता किस तरीके से मिलती है। आइए बात करते हैं फरवरी के महीने की, यानी इस साल का जो है दूसरा महीना फरवरी, ठंडी का महीना होता है। इस महीने में जो मकर राशि वाले हैं उनके लिए कुछ तारीखें जो बहुत ही शुभ है, यानी फरवरी के महीने में 4 दिन ऐसे हैं जो बहुत ही शुभ है, 11 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख और 26 तारीख, यानी इन 4 दिनों में आप ठोस फैसला करिए, आप कोई बड़ा काम शुरू करिए, आप ऐसा काम शुरू करिए जिस पे आप असफल हो चुके हैं, आपको सफलता मिलेगी। आइए बात करते हैं मार्च के महीने।
यानी मकर राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, मार्च के महीने के वो दिन हम बताएंगे जो उनके लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाले हैं, और वो दिन है 4 तारीख है, 9 तारीख है, 16 तारीख और 28 तारीख। यानी 4 दिन ऐसे हैं जो मार्च के महीने में क्या होता है, मार्च के महीने में आमतौर पर होली होती है, होली का उल्लास होता है, होली का उल्लड़ होता है। ऐसे में अगर आप ये चाहते हैं कि आपको भी सफलता का उल्लास मिल जाए, आपकी किस्मत चमक जाए, तो ये 4 तारीखें आप याद रखिए और इन 4 तारीखों पे आप लीजिए फैसला, आपको सफलता मिलेगी। आइए बात करते हैं अप्रैल के महीने की। अप्रैल का महीना जहां गर्मी की शुरुआत होती है, इस महीने में मकर राशि वालों के लिए 5 दिन ऐसे हैं जो बहुत ही खास हैं, और वो 5 दिन क्या है, 5 तारीख है, 12 तारीख है, 21 तारीख, 22 तारीख और 29 तारीख। इन तारीखों पर लिया गया फैसला आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, आप इन तारीखों को बिल्कुल मत भूलिए। इसके बाद हम बात करते हैं मई के महीने की। यानी मई के महीने में गर्मी की शुरुआत होती है, गर्मी का एहसास होने लगता है, लोग परेशान भी रहते हैं गर्मी से। लेकिन अगर ऐसे में चाहते हैं आपकी आपको सफलता की गर्मी का एहसास हो जाए, तो आप इन तारीखों को याद कर लीजिए। 2 तारीख है, 10 तारीख है, 15 तारीख और 27 तारीख। इन तारीखों पे आप शुरू करिए, कोई बड़ा कार्य लीजिए, कोई बड़ा फैसला, आप फिर देखिए आपकी किस्मत कैसे चमकती है। आइए बात करते हैं जून के महीने, यानी मकर राशि वालों के लिए साल 2000 में जून के महीने में कुछ ऐसी तारीखें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है 4 तारीख है, 8 तारीख है, 19 और 25 तारीख। यानी जून का महीना, जिस महीने में आंधी तूफान आता है, धूल मिट्टी वाला तूफान आता है, उमस से भरा हुआ महीना रहता है, उस महीने में अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कुछ सफलता मिल जाए, आपको कोई बहुत अच्छा महसूस हो जाए आपके जीवन में, एक ऐसा तूफान आ जाए जो सफलता का तूफान, तो आप याद रखिए 4 तारीख, 8 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख और 30 तारीख, ये 5 दिन जून के महीने में आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाले हैं। मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई के महीने की बात करते हैं, यानी बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, बरसात शुरू होती है। ऐसे में अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में भी सफलता की बरसात हो जाए, तो आप ये तारीख याद रखिए, 1-2 तारीख है, 6 तारीख है, 17 और 26 तारीख है, बहुत ही महाशुभ तारीख है आपके लिए, और इन तारीखों पे आप लीजिए, उठाइए ठोस कदम, आपको मिलेगी सफलता। अगस्त के महीने की बात करते हैं, मकर राशि वालों के लिए अगस्त के महीने की 4 दिन ऐसे हैं जो बहुत ही शुभ साबित होने वाले हैं, और ये जो 4 दिन है वो कौन कौन से दिन है, 16 तारीख है, 17 तारीख है, 25 तारीख और 29 तारीख, 29। यानी इन दिनों में आप शुभकाम, आपको सफलता मिलेगी। आप करिए शुरू सितंबर का महीना। इसके बाद आता है सितंबर का महीना यानी ना तो इस महीने में क्या है कि बारिश खत्म होने लगती है, 15 सितंबर के बाद उमस भी खत्म हो जाती है, और एक नए ऋतु का आभास होता है, यानी हम सर्दी की जो मौसम होता है उस तरफ हम प्रवेश करते हैं। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ नया महसूस हो, आपको सफलता का आभास हो, आपको सफलता का एहसास हो आगे, तो आप ये तारीख याद कर लीजिए। 1 तारीख है, 10 तारीख है, 11 तारीख है, 12 तारीख, 13 और 16 तारीख, यानी पूरे के पूरे 6 दिन, 6 दिन है ये, और इन 6 दिनों में आपको बहुत सफलता मिल सकती है। सिर्फ आपको जरूरत है याद रखने की, इन 6 दिनों में आप कोई ठोस कदम उठाइए, आपको सफलता का आभास हो जाएगा। अक्टूबर के महीने की बात करते हैं, अक्टूबर के महीने में यानी यहाँ पे सर्दी भी कम हो जाती है, और सर्दी तो कम क्या, मतलब गर्मी का जो उमस का एहसास होता है वो खत्म हो जाता है, गर्मी भी नहीं होती है, सर्दी संभव होता है इस महीने में। अब इस महीने में अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा संभव आ जाए जो खुशियां लेकर के आए, और तो आप अक्टूबर के महीने की इन तारीखों को आप याद रख लीजिए, यानी 1 तारीख, 12 तारीख, 20 और 31, यानी 4 दिन ये आपके लिए बहुत ही खास हैं अक्टूबर के महीने में, और
इन महीने की अक्टूबर महीने की इस तारीख पे आप उठाइए ठोस कदम, आप देखिए उसका क्या होता है, नतीजा बहुत अच्छा निकलने वाला है। फिर आता है नवंबर का महीना, यानी साल 2020 में नवंबर का जो महीना है वो मकर राशि के जातकों के लिए बहुत खास तो है। इस महीने की जो नवंबर के महीने की कुछ तारीखें हैं, यानी चार दिन ऐसे हैं जो बहुत ही खास हैं, और वो चार दिन है, चार तारीख है, 15 तारीख है, 22 तारीख और 29 तारीख। इन तारीखों पे आप कोई अहम फैसला लीजिए और उठाइए एक अच्छा कदम, आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद दिसंबर, दिसंबर का महीना यानी मकर राशि के जातकों के लिए साल 2000 का आखिरी महीना, यानी जाने का बिल्कुल, फिर इसके बाद नया साल आता है। तो अगर आप साल के जाते जाते चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं से कोई बड़ी सफलता मिल जाए, तो आप इन तारीखों को याद रखिए। 3 तारीख है, 15 तारीख है, 22 तारीख और 26 तारीख। आप इन्हें बिल्कुल मत, आपको सफलता इन तारीखों पे मिलेगी। अगर आप इन तारीखों को भूल गए तो आप निश्चित रूप से है कि आपको सफलता मिलने में है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने आपसे चर्चा की कि मकर राशि वालों से हमने चर्चा की कि जो 12 महीने थे साल 2020 के, उसमें से हर महीने की कौन कौन सी तारीखें हैं जो उनके लिए शुभ साबित हो सकती हैं, उन पर उठाया गया एक कदम उनको सफलता के सोपान तक लेकर के ही जाएगा, इस पर हमने चर्चा की। तो वही हमारा कार्यक्रम, ये आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव भेजिए, आप अपने सवाल भी भेजिए, हम आपको संतुष्ट करेंगे जवाब दे करके। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, और ज्योतिष से जुड़ी पल पल की जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।